आज हम लोग जा रहे हैं सिसु की लॉन्ग की तरफ आगे एंड दाचा वाराणसी तक, जहाँ तक भी हम लोग जा पाए आपको दिखाएंगे आगे। एंड बाकी मौसम अभी यहाँ पर अच्छा ठंडा है, 3 डिग्री था मॉर्निंग में। इस टाइम टूरिस्ट तो है ही काफी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट हाँ है। और ये देखिए यहाँ पे ये पहले पूरी की पूरी ना ऐसे रिवर ब्यास जाती थी, और ये पत्थर ये जब अभी फ्लड आया है उस टाइम पे पूरा इस तरफ पत्थर ही आ गए हैं। अभी अभी हमें पता चला है कि शिंकुला टॉप की रोज ओपन है और बारा लाशला तो हम जा रहे थे, हम सोच रहे हैं हम ना जाए, कैंसिल कर दें। शिंकुला टॉप जो कि 16,800 फीट पर है और मनाली से अराउंड 140 किलोमीटर पर है। बारा लाशला वैसे तो हम लास्ट टाइम गए थे और उसका वीडियो चैनल पे ऑलरेडी है, तो इस बार आपको लेके चलते हैं एक नई मंजिल और नए सफर की ओर। शिंकुला के लिए आपको मनाली से सोलांग, फिर अटल टनल, सिसु, टांडी, किलोंग, जिस्पा, दारचा होते हुए ही जाना होगा, और दारचा के आगे 40 किलोमीटर के अराउंड शिंकुला पड़ेगा। मनाली से अराउंड 40 किलोमीटर दूर है अटल टनल जो कि 10,000 फीट पर है और इस एल्टीट्यूड की ये तो सबसे लॉन्गेस्ट टनल है। मनाली से अटल टनल की डिटेल वीडियो चैनल पे ऑलरेडी है। अटल टनल के बाद आप पहुंच जाते हैं लाहौल डिस्ट्रिक्ट में और यहां से टांडी अराउंड 35 किलोमीटर है। अभी जैसे हम लोग दिखा रहे हैं आपको कितना कितना बीच में पूरा का पूरा रोड ख़त्म ही है। इवन यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो मानसून के टाइम पे पूरा का पूरा लैंडस्लाइड हुआ था तो पूरी रिवर ना इस साइड आ गई है, पहले थोड़ा सा उधर फ्लो हुआ करता था, अब बिल्कुल रोड की तरफ आ गई है, तभी तो ये पूरी की पूरी रोड जो है ख़राब हो चुकी है। एक तो जिप लाइन से जाते थे सिसु में और एक ब्रिज से जाते थे, तो वो ब्रिज था वो तो ब्रिज खत्म हो चुका है। ये पूरा सिसु है और हेलीपैड भी है सामने वहाँ पे, उधर जिप लाइन करके दूसरी तरफ जाते हैं वाटर रिवर पूरा क्रॉस करके। एंड सिसु हम लोगों ने पहले भी कवर किया हुआ है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा इसमें वीडियो में नीचे, तो देखिए दूर से देखिए कितना अच्छा सुंदर व्यू है। अटल टनल से पहले कितना अलग ही लैंडस्केप था और अब जो है अटल टनल के बाद तब भी थोड़ा बहुत पेड़ पौधे दिख रहे थे, अब यहाँ पे जो है पहाड़ धीरे 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 ब्राउन ब्राउन होते जा रहे हैं, ग्रीनरी कम होती जा रही है। और अभी हम ये दारचा की तरफ जा रहे हैं। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बस कहीं भी आप ज्यादा पहुंच जाएंगे, वापस भी आना। हाँ वापस भी तो आएंगे। वाह यार कितना प्यारी सी रोड है ना, बाहर देखना जरा यहाँ के।
₹700 का 70 लीटर। अच्छा 100 रुपए लीटर, मैं 10 रुपए लीटर। 10 रुपए लीटर तो मजाक कर रही थी पहले ना ये वो था लास्ट पेट्रोल पंप इस हाईवे पे। हाँ तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ था नेक्स्ट फिलिंग स्टेशन एट 400 किलोमीटर अहेड। अब एक आगे किलो में खुल गया तो उन्होंने हटा दिया। अब तो अच्छा पहले जब इधर लोग जाते थे लेह लद्दाख वाली साइड तो टांगी जो है लास्ट पेट्रोल पंप हुआ करता था तो यहीं से ही फिल करा के जाते थे पेट्रोल। और अब तो पर पिछले 2-2.5 साल हो गए हैं किलोंग भी हम लोगों का रास्ते में पड़ता है तो किलोंग में भी अब पेट्रोल पंप हो गया। जो इतने सारे टेंट नजर आ रहे हैं ये सब जेस्पा है, जेस्पा में लोकेटेड है सब। जेस्पा के बाद आएगा बाराज, वो जेस्पा के बाद आएगा तारचा। शिंगुला पास हो या बारालाचला या फिर रोहतांग, आप अपनी कार से जा सकते हैं या फिर हिमाचल टूरिज्म की बस भी ले सकते हैं। ये बस मनाली रोड, मनाली मॉल रोड से सुबह चलती है और शाम को वापस मॉल रोड पे ही ड्रॉप कर देती है। इस बस की ऑनलाइन बुकिंग आप HPTDC की वेबसाइट से कर सकते हैं और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अगर आप कार से जा रहे हैं तो रोहतांग पास और बारालाचला पास की वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और श्रृंखला तो हम आपको लेके ही जा रहे हैं तो पूरी रोड कंडीशन हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। हमने यहाँ पे तारचा में एंट्री करवा ली है और अब हम लोग श्रृंखला पास जाने जा रहे हैं। आगे सामने बोर्ड भी है, अगर यहाँ से टर्न ले लेंगे तो बारालाचला में जा रहा है, इधर बारालाचला है। हाँ जो इधर राइट में जा रहा है वो बारालाचला और स्ट्रेट पे श्रृंखला। तारचा चेक पोस्ट है जो वो आपको 1 बजे से पहले ही क्रॉस करना पड़ता है अगर आप श्रृंखला और बारालाचला जाकर वापस आने वाले हैं, अदरवाइज आपको ना आगे नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि ऊपर वेदर कंडीशन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहती है और शाम होती ना बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, इस टाइम ठंड हो ही जाती है और ये नहीं पता चलता कब स्नो फॉल शुरू हो जाए। I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. मनाली से जिसपा दारचा तक की रोड तो कंडीशन आपको अच्छी मिलने वाली है एंड पर अगर आप इस तरफ आने के लिए प्लान कर रहे हो अपनी ट्रिप तो एक बार आप ना वेदर कंडीशन वगैरह जरूर देख लें, वेदर कंडीशन के साथ साथ अपनी गाड़ी की कंडीशन भी देख लें बिकॉज अगर यहाँ पे हमारी गाड़ी वगैरह खराब, किसी की भी गाड़ी खराब हो जाए तो बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है ठीक करने के लिए। तो वेदर कंडीशन, गाड़ी की कंडीशन दोनों पे वर्कआउट करके निकले। इस रोड पे हम काफी देर से चल रहे हैं और वैसे तो रोड ठीक है पर बीच बीच में थोड़े थोड़े सिर्फ पैचेस हैं, हमें तो कोई गाड़ी दिखी नहीं इतनी देर से यहाँ पे। हाँ अभी बस लग रहा है हम ही जा रहे हैं श्रृंखला पास और कोई जा ही नहीं रहा है, मतलब पब्लिक आती है रोहतांग पास जाती है ज्यादातर देखे हैं, मनाली आएंगे तो रोहतांग पास तो बाय डिफॉल्ट जाएंगे ही जाएंगे। बट हाँ और आगे ट्राई करना चाहिए जैसे हम लोग जा रहे हैं अभी श्रृंखला पास। श्रृंखला यहाँ से और अराउंड 20-22 किलोमीटर के आसपास होगा और शायद वही है जहाँ सामने स्नो दिख रही है ना वहीं पर ही है, वहीं जाना है हमें। ये आगे 23 किलोमीटर से है और
और एक घंटा लगना चाहिए। बीच बीच में इस तरह जैसे आपको दिख रहा है इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट प्लेट्यूज आते हैं, एकदम से प्लेन हो जाता है, और जबकि हम अभी अराउंड 13,000 फीट की हाइट पर हैं। पर पहाड़ तो पहाड़ ही है, हर 10 किलोमीटर पे एकदम अलग। शिंकुला पास जो है अराउंड 17,000 फीट पर है और ये वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। दारचा के बाद आपको मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलेगा और ना ही आपको कोई शॉप मिलेगी, तो आप पहले ही जरूरी सामान लेकर चलेंगे, वो आपके लिए सही रहेगा। एंड गरम कपड़े हो गए, पानी हो गया, खाने का सामान हो गया, ये सब सफिशिएंट होना चाहिए। और साथ ही साथ अपने साथ अपनी मेडिकल किट भी रखें ज़रूर, बिकॉज पता नहीं चलता है कहाँ पे वॉमिटिंग, सर दर्द, ये सब चीज़ें मोस्टली अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो थोड़ा सा लगता ही है। यहाँ पर कोई इमरजेंसी हो जाए या कार खराब हो जाए तो आपको लिफ्ट लेकर ही वापस आना पड़ेगा, और कोई भी हेल्प मिलने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो मैंने अभी जैसे कि आपको बोला था कि दोनों चीज़ें आपको अपनी वेदर कंडीशन और अपनी गाड़ी की कंडीशन, इस पर एक बार तो वर्कआउट करना बनता है। शिंकुला टॉप हिमाचल और लद्दाख बॉर्डर पर है और इसको गेटवे टू ज़ंस्कार वैली भी कहते हैं। यहाँ पे ना और यहीं से जो है पदुम होते हुए एक दिन में आप कारगिल भी पहुंच सकते हैं। बीच बीच में इस तरह के काफी रफ पैचेस हैं, पर हमारी नेक्सॉन जैसे टू व्हील ड्राइव है तो हमें अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, टचवुड अभी तक तो नहीं हुई है, और कार आराम से निकल रही है। दारचा तक तो रोड्स काफी अच्छी हैं और उसके बाद 90% तक तो ठीक ही रोड्स मिलेंगी आगे आपको। और अब हमें आगे थोड़ी थोड़ी स्नो भी देखने को मिल रही है, मुझे लग रहा है आगे स्नो काफ़ी मिलेगी शायद आगे। तो चलिए जल्दी जल्दी पहुंचते हैं शिंकुला पास, जिसको गेटवे टू ज़ंस्कार वैली भी बोला जाता है। अब शिंकुला यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, तो जैसे कि आप भी देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश यहाँ पर बर्फ पड़ी हुई है, अनटच्ड है, बिल्कुल अनटच्ड, एकदम साफ सुथरी। बड़ा अच्छा लगता है ऐसे एकदम वाइट वाइट बर्फ देख कर ना, क्योंकि उधर चले जाओ अगर रोहतांग वाली साइड तो उधर बर्फ तो दिख जाएगी पर वो बड़ी ना गंदी सी होती है, मैली हो रखी होती है धूल से, लोग चले जाते हैं ना इसलिए। हमारे सामने अभी 3-4 बाइकर थे, उनमें से एक तो गिर गया है और जो गिरा है वो अब खड़ा होके स्नो में फोटो ले रहा है अपनी, और जो उसका साथी है ये बाइकर बीच में अपनी रोड पे बाइक खड़ी करके चला गया है। मतलब इंसान को इतना भी सेंस नहीं है कि हमें रोड पे ना खड़ी करें अपनी बाइक, ब्लॉक हो गई है रोड सारी की सारी। इस बेचारे की बाइक गिर गई, उठाई नहीं जा रही, इन्हें 10 घंटे तो हो गए इनकी बाइक गिरे हुए। तो फोटो खींच रही है बाइक की, उसे बाइक नहीं उठाई जा रही। इनसे बाइक उड़ जाके ड्रामे करते रहे अपने वीडियो बनाने के लिए, यहाँ मैं तो गिर गया। अच्छा बाइक इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि इनके व्यूअर्स बढ़ेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सामने स्नोफॉल हो रही है? हो रही होगी, सड़क भी पास में तो हो रही है। हम भी वही जा रहे हैं, वो जो उधर वो लगा हुआ है सामने। देख पीछे तो मैं भी निकल आ गई होगा, गाड़ी का यूरिया लेवल भी इतना लो हो गया।
आप लोग सिंकुला तक ही जा रहे हैं फिर आगे भी जा रहे हैं? यही जा रहे हैं, सिंकुला तक जा रहे हैं बस। तो हमने एक क्लब रोक ली गाड़ी, अब आगे जाने में डर था कि जो है कि रास्ते में बंद हो जाएगा। हाँ रिस्क मतलब भैया, यहाँ तो कोई हेल्प भी नहीं मिलेगी यहाँ आस पास। अब हम यहाँ पर शिंकुला टॉप पे आ चुके हैं और इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है और आप देख सकते हैं चारों तरफ स्नो ही स्नो है, हल्का हल्का स्नोफॉल भी होना शुरू हो ही गया है। ये पता नहीं स्नोफॉल कैमरे कैप्चर हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप मौसम देख सकते हैं यहाँ पे कैसा हो गया है। कैसा लगा बंदा यहाँ पे? Awesome. बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है भाई। हमने बाहर से भी बताया था आपको कि हम जेंकुला पास आ चुके हैं, इतना सुंदर है, मतलब पूरा टोटली स्नो कवर्ड है, टोटली स्नो कवर्ड है, मतलब इतना स्नो तो हमने देखा है ऐसा नहीं है रोहतांग पास वगैरह पे, बट अगेन वो थोड़ा सा वहाँ लोग चले जाते हैं, गंदा होता है मिट्टी वाला, ये तो बिल्कुल अनटच्ड है। और बाहर तो अभी हल्का हल्का स्नोफॉल भी शुरू हो गया है, और सामने आपको दिखाया था वहाँ पे जंस्कार वैली की तरफ रास्ता जाता है, कारगिल की तरफ, उधर लेह लद्दाख आप जा सकते हैं। एंड वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, हमें तो लग रहा है मौसम खराब ही होने लग रहा है। ऊपर अभी आपको मैं दिखाती हूँ वहाँ पे सामने, छोटे छोटे ना, बहुत छोटे छोटे, ऐसा लग रहा था जैसे उरुई टाइप का गिर रहा है, एकदम शुरू हो गया था स्नोफॉल। बाहर बुरी हालत हो रही है, एकदम ठंड। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल की तरफ तो सब्सक्राइब भी करिएगा हमारा चैनल, एंड बिल्कुल बताइएगा कमेंट्स में आज की वीडियो कैसी लगी। तो वापस चलते हैं दोबारा, जय माता दी।